नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त आकाश, आप देख रहे हैं क्यूरे। तो कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा। कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमितों की और मृतकों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। देश में महामारी के रोजाना रिकॉर्ड 3 लाख से भी ज़्यादा मामले आ रहे हैं। आज की ही बात की जाए तो 3,30,000 मामले पूरे देश में आए हैं, जो कि दुनिया में किसी एक दिन में सबसे अधिक मामले हैं। देश के अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लगना शुरू हो चुकी है और स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी की रिपोर्ट भी आ रही है। सबसे बड़ी परेशानी तो इस समय बनी हुई है, वो है अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी होना। ऐसे कई रिपोर्ट्स आ चुकी हैं जहां हॉस्पिटल्स में कोरोना के मरीज ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से दम तोड़ रहे हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कोरोना के हर मामले में मरीज को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाल ही में एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने नारायण हेल्थ के अध्यक्ष डॉक्टर देवी शेट्टी और मेदांता के अध्यक्ष डॉक्टर नरेश सहित कई डॉक्टर से बात की और कोरोना से जुड़े मुद्दों पर डिस्कशन किया। उन्होंने बताया कि अगर किसी की ऑक्सीजन लेवल या ऑक्सीजन सेचुरेशन 94% से ऊपर आती है तो उसे ऑक्सीजन देने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को शरीर में दर्द, खांसी, जुकाम, उल्टी जैसे कोई लक्षण है तो उन्हें कोरोना की जांच ज़रूर करवाइए, लेकिन हर किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अपने ऑफिशियल पेजेस पर कुछ इमेजेस को शेयर किया है, जिसके चलते वो उन लोगों को मैसेज देना चाहते हैं जिन लोगों को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, जिनकी बॉडी में ऑक्सीजन गिर जाती है। उसको लेकर एक बहुत ही आसान तरीका बताया गया है। मान लीजिए अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन गिर जाती है तो आपको क्या करना है, इसको लेकर कुछ गाइडलाइंस उन्होंने हाल ही में बताई है, जिसके बारे में मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ। तो इसको लेकर एक प्रोसेस है जिसका नाम है प्रोनिंग। प्रोनिंग से आप अपनी बॉडी में ऑक्सीजन के गिरे हुए स्तर को बढ़ा सकते हैं। तो प्रोनिंग एक तरह की प्रक्रिया है जिससे मरीज़ अपना ऑक्सीजन लेवल खुद ही मेंटेन कर सकता है, यानी ये घर पे आप खुद ही कर सकते हैं। प्रोन पोजीशन ऑक्सीजन तकनीक 80% तक कारगर है, यानी इसकी जो सक्सेस रेट है वो भी काफ़ी अच्छा है। इस प्रक्रिया में आपको पेट के बल लेट कर पूरी करनी होती है, मतलब आप पेट के बल लेट जाइए। ये प्रक्रिया मेडिकली भी एक्सेप्टेड है, जिसमें सांस लेने में आपको सुधार मिलेगा और ऑक्सीजन लेवल में भी आपको सपोर्ट मिलेगा। बेसिकली जब आप पेट के बल लेट जाते हैं तो आपके लंग्स पर दबाव ज़्यादा नहीं पड़ता, जिसके चलते उनका काम करना, जो उनकी एफिशिएंसी है, वो बढ़ जाती है। दोस्तों, पूरी प्रोनिंग जो प्रोसेस है, अगर मैं उसकी बात करूं तो उसमें आपको 5 पोजीशंस में आधे आधे घंटे लेटना होता है। अब मैं इसको आपको विस्तार में समझाता हूं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको तकिए चाहिए। इसके लिए आपको एक तकिया गर्दन के नीचे रखना है जब आप पेट के बल लेटे हैं। एक गर्दन आपको जो है गर्दन के नीचे रखना है, एक या दो सीने और अपने पेट के नीचे वाले हिस्से पे तकिए रखने हैं। दो तकियों को आपको पंजों के नीचे रखना है। इसे करने के लिए आपको 5 पोजीशंस पे लेटना होगा। सभी पोजीशंस को 30 मिनट से ज़्यादा नहीं स्पेंड करना है। तो आपको पहली पोजीशन, जैसे मैंने आप बताई, पेट के बल लेटना है। दूसरी पोजीशन में सीधे हाथ को सिर के नीचे रखकर एक करवट लेनी है। तीसरी पोजीशन में हाथों को बिस्तर पर रखकर और पैरों को सीधा रखते हुए सीधा बैठना है। चौथी पोजीशन में उल्टे हाथ को सिर के नीचे रखते हुए करवट में लेटना है। पांचवी पोजीशन में पहले की तरह पेट के बल फिर से लेट जाना है। तो अगर आप इस प्रोसेस से गुजरते हैं तो आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन की सेचुरेशन है वो बढ़ जाएगी। दोस्तों, ये चीज़ करने के दौरान आपको कुछ चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना है, जैसे खाने के 1 घंटे बाद तक इसे करने से बचें। खाने से काफ़ी समय हो जाए उसके बाद ही करिए, 1 घंटे तक आपको ये चीज़ नहीं करना है। आप जो तकिए इस्तेमाल करेंगे वो आरामदायक होने चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी तरह की चोट या दबाव का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। अगर मान लीजिए आपको कोई चोट लगी है या आपका कोई दबाव का इशू है तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसे प्रेगनेंसी, गंभीर दिल के रोग, रीढ़ से जुड़ी कोई समस्या है, इन केसेस में आपको नहीं करना है। तो दोस्तों, इस इन्फॉर्मेशन के साथ आप किसी की भी जान बचा सकते हैं, आप खुद की जान बचा सकते हैं। आजकल जैसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इस तरह की इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है।
तो आप भी अगर शॉर्ट ब्रेथनेस से गुजर रहे हैं या आपके परिवार में कोई सांस की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो उसको आप इस तरकीब के साथ बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो पर। तब तक के लिए नमस्कार।